हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम जो आपके सामने सीटेट का हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, ये 8 दिसंबर 2019 का है, 8 दिसंबर 2019 का, और इसमें जो है ये पार्ट टू है ना, पार्ट टू है। पार्ट वन इसका पोस्ट हो चुका है। चलिए आज जो पार्ट टू है, जिसमें हम लोग 76 से लेके 150 तक क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है 8 दिसंबर 2019 का पार्ट टू, जिसमें हम 76 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? मतलब निम्नलिखित में से क्या है जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। एक कह रहा है विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चे को देने के लिए प्रेरित करना, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, चौथा है केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका दिल कौन सा कह रहा है वो बताइए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ऑप्शन दो है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ऑप्शन तीन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, और 4 नंबर कहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। यहाँ पर कूट दी गई है, ऑप्शन एक में है ए बी सी, दो में है ए और सी, तीन में है ए सी और डी, और 4 में है केवल सी। तो आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। देखिए कौन सा सही होगा, कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक है। ऑप्शन एक का मतलब है कूट भाषा में, ऑप्शन नंबर ए एक मतलब ए बी और सी तीनों कह रहा है, ए बी और सी तीनों ही है जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या क्या है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो ये तीनों चीज़ हैं जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, 78। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? ए है वृत्तांत, दो है कहानियाँ, सी तीन है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, और 4 है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली मार्गदर्शन और व्याख्या। कूट में देखिए, ऑप्शन ए में ए बी सी दोनों है, दो में ए और बी है, तीन में सी और डी है, 4 में ए बी और सी है। एक बार और प्रश्न को अपने से देखिए, और उसका आपके दिल में कौन सा आंसर सही लगता है वह आप डिसाइड कीजिए, फिर हम आंसर बता रहे हैं। तो 78 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ए और बी, वृत्तांत और कहानियाँ। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, कूट भाषा में दो सही। 79 को देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन एक है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दो है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तीन है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। कूट ए में है केवल ए, दो में है ए और सी, तीन में है केवल बी, और 4 में है ए बी और सी। तो कौन सा 79 का राइट आंसर होगा आप बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ए बी और सी। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो ए बी और सी तीनों ही सही है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन एक है, एक कहता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा कथन है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना है। सी कह रहा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है।
डी कहता है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो अब बताइए इसमें से कूट ए में है ए और डी, दो में है बी और डी, और तीन में है बी और सी, और चार में है सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है 80 नंबर का, देखिए इसमें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, बी और सी, मतलब कि बी और सी सही है, बी और सी सही है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो ऑप्शन बी और सी राइट है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन ए है परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य, सी है समाचार पत्र, और डी है कक्षा। तो ए में है केवल डी, ऑप्शन दो है सी और डी, ऑप्शन तीन है ए बी और सी, और ऑप्शन चार है ए और बी। तो राइट आंसर 81 का कौन सा होगा, देखिए आप लोग अपने से एक बार थोड़ा दिल पर जोर डालिए और बताइए आंसर कौन सा है। चलिए अब हम बता देते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए बी और सी, ये जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए बी और सी, मतलब परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। क्या बोला, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संबंध है? तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है परिवार के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है समुदाय के सदस्य, और पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है समाचार पत्र। तो तीनों ही सही है। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन एक है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन दो है अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन तीन है अज्ञात से ज्ञात, और ऑप्शन चार है ज्ञात से अज्ञात। प्रश्न है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है ना, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वैश्विक से स्थानीय, दो है अमूर्त से मूर्त, तीन है अज्ञात से ज्ञात, चार है ज्ञात से अज्ञात। तो राइट आंसर कौन सा होगा 82 का, देखिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ज्ञात से अज्ञात, ये राइट आंसर है। मतलब कि सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो ज्ञात से अज्ञात का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन एक है पोर्टफोलियो, ऑप्शन दो है क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन तीन है वर्णन अभिलेख, ऑप्शन चार है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, आपने दिल से पूछिए आपको क्या लग रहा है ना। प्रश्न एक बार जान लीजिए, कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, कौन सा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पर्यावरण अध्ययन में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये नहीं है। तो अब सवाल ये उठ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन है? तो साधन कौन कौन सा है, पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी है, और वर्णन अभिलेख। ये तीनों जो एक दो और तीन है, ये तीनों ही है जो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन है। जबकि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा साधन नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण साधन नहीं है। चलिए 84 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? एक में है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना, दो में है कक्षा 5 के EVS पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, ऑप्शन तीन है आकलन के संकेतकों का उपयोग, ऑप्शन चार है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। अब आप बताइए आपका दिल कौन सा कह रहा है कि ऑप्शन सही है 84 को, गौर से देखिए। इसमें क्या है मित्र, प्रश्नों को समझने में ही समय लगता है, और बात है क्या, अगर प्रश्न समझ में नहीं आया आदमी को तो वो आंसर कैसे करेगा, और अगर प्रश्न समझ में आया तो आंसर करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए प्रश्नों को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना, बच्चों के उत्तर को सही या गलत रूप में आंकना, यह पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
85 देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करता है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ऑप्शन एक यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, दूसरा बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, तीसरा बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन चार है बच्चों की क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा 85 का। तो देखिए 85 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा है? 3, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन क्या था? कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उसको चींटियों को आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? एक में मछली, दो में है कौवा, तीन में है घड़ियाल और चार में है कछुआ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मछली, घड़ियाल, कछुआ देखिए और कौवा, इन चारों में से जो है कह रहा है निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, सबसे अलग कौन सा है। तो आप सीधा देख रहे हैं कौवा सबसे अलग है। मछली, घड़ियाल और कछुआ ये सब पानी में रहता है लेकिन कौवा जो है वो तो पक्षी है, आप जान ही रहे। सुमेलित कीजिए 87 को। देखिए इसमें जो है 87 का जो है ये थोड़ा टफ है, इसका हम राइट आंसर ही आपको बताते चलते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को भी देखना देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, सुमेलित कीजिए। सूची एक दिया हुआ है, सूची दो दिया है। सूची एक में शहर है हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। सूची दो में है अत्यधिक पसंद का भोजन, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप। तो यह जो आपने देख लिया, अब इसको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है ना। ये तो इसको देख करके हम लोग बना सकते हैं कि एक का जो है 5 होगा। देखिए ये जो हांगकांग वाला है, देखिए है ना, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो हांगकांग है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, हांगकांग 1 का 5, तो हांगकांग होगा पकाया हुआ सांप, ये सही है। फिर दूसरा जो है ना, दूसरा क्या है, केरल। तो केरल का राइट आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। देखिए केरल होगा किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये केरल का भोजन है। अब है कश्मीर तीसरा, तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा कश्मीर का वह हो जाएगा, ऑप्शन तो ढका जाता है यहाँ पर, अच्छा खैर कोई बात नहीं, 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना, सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है। और देखिए लास्ट में जो गोवा है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। हांगकांग का हो गया 5, केरल का हो गया किसी भी करी में। अब देखिए आपका सारा आंसर जो है 1, 2, 3, 4, एक और बच गया ना, नहीं नहीं इसमें 4 ही क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब आपको सब दिख रहा होगा, जो हांगकांग है ये पकाया हुआ सांप, हांगकांग पकाया हुआ सांप, केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा में नारियल के तेल में समुद्री मछली। तो ये हम लोगों ने देखा सुमेलित करने वाला। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? क्या बोला, पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है?
ऑप्शन एक में है उल्लू, ऑप्शन दो में कौवा, ऑप्शन तीन बसंत गौरी, ऑप्शन चार में मैना। तो अब राइट आंसर कौन सा है 88 का देखना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर होगा, ये है मैना। कौवा मैना बोलते हैं ना, ये मैना है जो पक्षी की एक प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। 89 देखते हैं, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। एक है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कांटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। सी में है लेह में पत्थर के दो मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। अब कूट में है ऑप्शन एक ए और बी, ऑप्शन दो बी और सी, ऑप्शन तीन ए और सी और ऑप्शन चार है केवल सी। अब आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है 89 का। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन है, ए और सी। ए और सी क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कांटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। और सी में है लेह में पत्थर के दो मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ए और सी राइट है, ऑप्शन नंबर तीन हो गया। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन दो है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऑप्शन तीन है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन चार है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। ये ऑप्शन चार हो गया। अब कूट भाषा में है ऑप्शन एक में 1, 2 और 3, ऑप्शन दो में 2, 3 और 4, ऑप्शन तीन में 3, 4 और 1, ऑप्शन चार में 1, 2 और 4। तो बताइए अब राइट आंसर कौन सा है इसमें 90 का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन है ना, 3, 4 और 1। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3, 4, 1 सही है। क्या क्या विचार करना है, देखिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये बात सही है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तीसरा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये बात भी सही है। ऑप्शन चार भी सही है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती हैं, यह भी सही है। अब भाषा हिंदी पर्यावरण हो गया, अब भाषा हिंदी को देखते हैं हम लोग। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षक को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है, ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। क्या कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढ़ा होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। चलिए अब प्रश्न इससे आता है गद्यांश से कि अनुच्छेद के आधार पर
हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, जो अनुच्छेद आपने पढ़ा इसके आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। एक है विज्ञान पर, दो है कला प्रवृत्ति पर, तीन है किशोरावस्था पर और चार है बाल्यावस्था पर। तो बताइए गद्यांश के अनुसार राइट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है। देखिए ये गद्यांश जो है लिखी गई है कला प्रवृत्ति पर, है ना, कला पर यह एक निबंध की तरह है, इसलिए इसको जो है आप ले सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो होगा, कला प्रवृत्ति पर। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो कला प्रवृत्ति पर। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। बोलिए क्या होगा आंसर 92 का। तो अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय जो है ये सभी तर्क प्रधान है। ऑप्शन नंबर एक राइट है, तर्क प्रधान है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। तो राइट आंसर क्या होगा 93 का, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा, आपका दिल कौन सा कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है समाज में, तो समाज में विभाजन हो रहा है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर दो जो है ये राइट है 93 का। चलिए 94 पर आते हैं, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, एक पतन का, दो ज्ञान का, तीन प्रगति का और चार कर्म का। तो ऑप्शन कौन सा होगा राइट, आप जान ही रहे हैं, तो ये पतन का। आपके मन की भाव को हम पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, एक है तार्किक, दो है स्वाभाविक, तीन है साहित्यिक, चार है अभिव्यक्ति। अब बताइए कौन सा शब्द समूह जो है इसमें अलग है 95 का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तार्किक, साहित्यिक, स्वाभाविक, ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है सब में। देखिए तार्किक इक लगा हुआ है, स्वाभाविक इक प्रत्यय है, साहित्यिक लेकिन अभिव्यक्ति में इक प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे भिन्न है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है, इस पे निपात क्या है, आज भी इसमें। तो राइट आंसर 96 का, आपका दिल कौन सा कह रहा है, तो इसमें निपात है भी, कौन है भी। विकसित शब्द में प्रत्यय है, विकसित में कौन सा प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, त प्रत्यय है, सत प्रत्यय है। विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है 97 बताइए, तो विकसित में इत प्रत्यय है, कौन सा है, इत प्रत्यय, विकसित इत प्रत्यय है। प्रत्यय है जो बाद में लगता है, उपसर्ग है जो पहले लगता है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं, बताइए कौन सा है 98 का राइट आंसर कौन सा है। तो ये आपका आंसर जो है आपको मालूम होगा और आपके दिल की आवाज़ हम सुन रहे हैं, ये दुखद है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है, आधुनिक शिक्षा का जो नतीजा है वह दुखद है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को, राइट आंसर कौन सा है 99 का। देखिए आपकी दिल की आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, आपका आंसर है विज्ञान को और ये राइट है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, चलिए ठीक है काव्यांश को पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किसी महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मृणगपति मेरे विशाल। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिमकिरीट का आशय है, हिमकिरीट का आशय क्या है, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट, हिम किरीट का आशय क्या है। तो इसका आंसर जो है
ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका दिल कह रहा है बर्फ का मुकुट और ये सही है। हिमकिरीट का आशय क्या है? बर्फ का मुकुट। किरीट मना मुकुट, हिम मना बर्फ, लेकिन ठंडा मुकुट ये शोभा नहीं देता, अर्थ तो वही लेकिन ये बैठता ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह और समास होगा नगपति, रत्नों मतलब नग का पति तत्पुरुष, नगों पर्वतों का पति है जो कर्मधारय है, नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष, नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा 101 का। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, नगों मतलब पर्वतों का पति तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ऑप्शन 1 है युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव गौरव विराट, है ना। हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, यह किसमें कहा गया है? ऑप्शन 1 है युग युग अजय निर्बंध मुक्त। बताइए इसमें राइट आंसर, आपका दिल कौन सा कह रहा है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, ये जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा 102 का। यही पंक्ति है जिसमें हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है बताया गया। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? औजे, अखंड, अमर, दिव्य। आपके दिल की आवाज़ में सुन रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 टिक कर रहे हैं आप, औजे, और ये सही है। जिसे जीता ना जा सके वो क्या होगा? औजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ। तो इसमें संधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए, निस्सीम, निह जोड़ सीम, तो इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? निस्सीम विसर्ग संधि है, और ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, वह पर्वतों का स्वामी है, वह समाधि में लीन है, वह समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो यतिवर का अर्थ क्या है? भारत का प्रहरी या पर्वतों का स्वामी या समाधि में लीन यह समस्या का हल ढूंढ रहा है, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? यतिवर का जो अर्थ है वो होगा समाधि में लीन, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है, ऐसा माना गया है। आगे बढ़ते हैं, 106 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है ना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है, ऑप्शन 1 उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन 2 उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 3 उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ऑप्शन 4 उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। कौन सा राइट आंसर है? तो 106 का जो राइट आंसर है आपके अंदर कौन सा चल रहा है, आपकी दिल की आवाज़ में सुन रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, है ना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, ऑप्शन नंबर 2 राइट। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ऑप्शन 1 कहानी कहना, ऑप्शन 2 कहानी लिखना, ऑप्शन 3 घटना वर्णन, ऑप्शन 4 श्रुतलेख। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख, है ना। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो श्रुतलेख जो है उसमें सबसे कम प्रभावी तरीका, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हम जान रहे हैं आपका दिल कौन सा कह रहा है, तो ये पूर्णतः सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ये ऑप्शन नंबर 1 भी पूर्णतः सही है और ऑप्शन भी पूर्णतः सही है ना। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। जितने प्रशिक्षु हैं इस बात को ध्यान रखिए,
है ना, अगर बच्चा फेल कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी फेल कर रहे हैं, बच्चा पास कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो शिक्षण शैली है वह भी पास कर रही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, ऑप्शन एक अवलोकन, ऑप्शन दो पोर्टफोलियो, ऑप्शन तीन जांच सूची, ऑप्शन चार लिखित परीक्षा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दो है, पोर्टफोलियो, है ना। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना और चित्र लिखना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन है चित्र बनाना, वह भी लिखने में आता है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, अर्थात चित्र बनाना भी, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन एक अनुमान लगाना, ऑप्शन दो संदर्भानुसार अर्थ, ऑप्शन तीन अक्षरों की पहचान, ऑप्शन चार पढ़ने का उद्देश्य। तो कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर है, पढ़ने का उद्देश्य। क्या होगा, पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, पढ़ने का उद्देश्य। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो कौन सा राइट आंसर है 112 का बताइए। ऑप्शन नंबर दो राइट है, चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, चॉम्स्की के साथ संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन एक कंप्यूटर, ऑप्शन दो बाल साहित्य, ऑप्शन तीन समाचार पत्र, ऑप्शन चार टेलीविजन। 113 का बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर दो सही है, बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है, है ना। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, यह बात है। अब बताइए ये बात कौन सी है, कैसी बात है, ऑप्शन चार आपको दिया गया है। 114 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन राइट है स्वाभाविक बात है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, यह बात स्वाभाविक है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है, ऑप्शन एक है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ऑप्शन दो है, बहुभाषिकता हमारे पहचान भी है और हमारी सभ्यता व साहित्य का अभिन्न अंग भी है, ऑप्शन तीन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सांस्कृतिक व साहित्य का अभिन्न अंग भी है, ऑप्शन चार है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति व चुनौतियों का अभिन्न अंग भी है। कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन आपका दिल कह रहा है एक नंबर सही है, सभ्यता संस्कृति। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून भाषा विज्ञान विज्ञापन, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है, ऑप्शन एक सहायक, ऑप्शन दो बाधक, ऑप्शन तीन निरर्थक और ऑप्शन चार अनुपयोगी। कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक है, सहायक। क्या होगा, सहायक। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है, डैश है, सहायक है। पांचवी कक्षा की सुहानी, पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है,
आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो क्वेश्चन है कि पांचों किन्हें आँखें दोनों, ये जो अनुस्वार है, अनुनासिक चिन्ह है, इसका प्रयोग उन्होंने सब में किया है। तो राइट आंसर है कि यह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, है ना, सजग है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन एक, बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना। ऑप्शन दो, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन तीन, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। ऑप्शन चार, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। राइट आंसर कौन सा होगा 180 का। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए, है ना, कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 118 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन दो राइट। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पढ़ने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, लिखने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, रटने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा 119 का बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर है, है ना, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ये ऑप्शन नंबर फोर जो है 119 का, ये राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 120 देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी विषय वस्तु को सीखना, उसकी उपयोगी को सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी शब्दावली को सीखना, उसकी विषय को सीखना। बताइए राइट आंसर कौन सा है 120 का। तो 120 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीन है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। ये दोनों ही चीज़ ऑप्शन नंबर तीन राइट है। अब चौथा और लास्ट पेपर है लैंग्वेज इंग्लिश टू, इसको देखते हैं हम लोग। फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। मैन हैज फाउट पॉलिटिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्रीडम। रिलीजन्स हैव प्रोमिस्ड फ्रीडम नॉट इन दिस वर्ल्ड बट इन अनदर, इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट टू सम डिग्री एंड इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट हैज बीन डिनाइड। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स फ्रीडम हैज मेंट ए ग्रेट डील टू मैन एंड देयर हैव बीन इट्स अपोनेंट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल बट रिलीजियस थ्रो इनक्विशन बाय एक्सकम्युनिकेशन टॉर्टर्स एंड बेनिशमेंट्स एंड द टोटल डेनियल ऑफ मैन्स सर्च फॉर फ्रीडम। देयर हैव बीन वार्स एंड काउंटर वार्स फाउट फॉर फ्रीडम। दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ मैन्स एंड एवर्स फॉर फ्रीडम
थाउट हिस्ट्री। फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थाउट एग्जिस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट इन अदर्स इट डज नॉट। दोज हु हैव बीन कंडीशनड रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर बैकग्राउंड्स दिस रिएक्शन विच टेक्स डिफरेंट फ्रॉम इज कॉल्ड फ्रीडम। देयर रिएक्शन टू पॉलिटिक्स इज ऑफन टू सन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। वन इकोनॉमिक रिएक्शन इज नॉट फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजी और अंडर द लीडरशिप ऑफ वन पर्सन बट दिज सून। डिस इंटीग्रेट द रिलीजियस रिएक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीफ इज टू रिवॉल्ट आइदर बाय ज्वाइनिंग अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और बाय बाय फॉलोइंग सम गुरु और लीडर और बाय ज्वाइनिंग सम कल्ट और ऑन डिनाइज द होल रिलीजियस इंडेवर। वन थिंग्स ऑफ फ्रीडम ओनली एज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आइदर फिजिकल और मूवमेंट्स ऑफ थाउट। इट अपीयर्स दैट वन ऑलवेज सीक फ्रीडम ऑन द सरफेस। श्योरली दिस इज रैदर ए लिमिटेड फ्रीडम इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ conflicts, wars and violence. Inner freedom is something entirely different. It has its roots not in the idea of freedom but in the reality of freedom. It covers all the endeavors of man. Without inner freedom, life will always be an activity within the लिमिटेड सर्किल ऑफ टाइम एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है 121। व्हिच मेथड ऑफ अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपुल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। ऑप्शन एक है इन क्वेश्चंस, ऑप्शन दो है एक्स कम्युनिकेशंस, ऑप्शन तीन है परसुएशन, ऑप्शन चार है टॉर्टर्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा 121 का? 121 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री होगा, है ना, परसुएशन ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू। ऑप्शन एक है ज्वाइनिंग अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दो है टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन, तीन है फॉलो सम गुरु, चार है ज्वाइन सम कल्ट। तो राइट आंसर जो 122 का वो कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन नंबर वन इज राइट, ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज ऑप्शन एक इकोनॉमिक फ्रीडम, ऑप्शन दो इनर फ्रीडम, ऑप्शन तीन पॉलिटिकल फ्रीडम, ऑप्शन चार रिलीजियस फ्रीडम। 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, इनर फ्रीडम। 124 को देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। बी है पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। ऑप्शन एक ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ऑप्शन दो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ऑप्शन तीन बॉथ ए एंड बी आर ट्रू, फोर बॉथ ए एंड बी आर फॉल्स। राइट आंसर कौन सा आपको लग रहा है? ऑप्शन ए इज राइट, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए फॉल्स बी ट्रू। इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटल्स कंट्रीज। बी पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। व्हिच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इंडेवर्स।
एज यूज इन द पैसेज पैराग्राफ वन, मूवमेंट्स, अटेम्प्ट्स, एक्शंस या चैलेंजेस। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर टू इज राइट, अटेम्प्ट्स। Which word is the most opposite in meaning to the word soon as used in the passage paragraph 2? Prefer, rehabilitate, welcome या rejoice? Right answer कौन सा होगा 126 का? तो इसका जो right answer है option number 3, welcome, ये राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। तो 126 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेलकम। विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सून एज यूज इन द पैसेज? तो ये होगा वेलकम। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेंस एन एरर? एक में है देयर इज नो डाउट, दो में है दैट हार्ड वर्क, सी में है पेव्स द वे और इसमें है टू सक्सेस। ऑप्शन एक में डी, ऑप्शन दो में ए, ऑप्शन तीन में बी और ऑप्शन चार में सी है। राइट आंसर कौन सा होगा 127 का? आपका दिल कौन सा कह रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक है डी, टू सक्सेस। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कॉन्टेंस एन एरर? टू सक्सेस, इसमें एरर है। 128 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन एक, मैन कैन इंजॉय लाइफ वनली इन एन एनवायरमेंट ऑफ फ्रीडम। ऑप्शन दो, मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फ्रीडम। ऑप्शन तीन, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। ऑप्शन चार, फ्रीडम हेल्प्स मैन इन इवॉल्व मॉरली एंड स्पिरिचुअली। राइट आंसर कौन सा होगा 128 का? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? तो फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, ये गलत है। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, तो फ्रीडम ही चाहिए आदमी को। वाटर इज द कोर ऑफ लाइफ, हिंस वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू आवर स्पिरिचुअल थिंकिंग। वाटर इज नॉट ओनली मोस्ट ऑफ अर्थ बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ लाइफ, therefore water conservation must be our deepest concern. The Himalayan mountain range is among the highest, youngest and most fragile ecosystem of the planet. The Himalayas has given us some of the great river system of the earth, including the Indus, Ganga, Brahmaputra, नू सालविन, यंगस्टे एंड द मिकोंग। द हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड पोल फॉर द कॉन्टेंट द लार्जेस्ट मास ऑफ आइस एंड स्नो। आउटसाइड द अर्थ पोलर रीजन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देयर इज अ परमानेंट स्नो लाइन अबव 5,000 meters. Some of the glaciers in the region are the longest outside the two poles. The Himalayas serve as water towers, providing water on a sustained basis to more than 1,000 million people and millions of hectares of land in South Asia. The greenery, benevolent climate, highly productive ecosystem, food production and
ओवरऑल हैप्पीनेस इज साउथ एशिया आर इन फैक्ट एट्रिब्यूटेबल टू द बॉन्टी ऑफ द हिमालयाज. दे आर नॉट ओनली ब्यूटिफुल, दे आर लाइफ गिवर्स. लिटिल वंडर दैट दे आर वेनरेटेड एज द अवार्ड ऑफ गुड्स. टू कीप द थर्ड पोल प्रिजर्व्ड थ्रू एजर्ड कंजर्वेशन इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फॉर द कॉन्टेम्प्रोरी वर्ल्ड. हिमालयन माउंटेन्स आर ए कॉमन बट फ्रेजिल नेचुरल रिसोर्स एज माउंटेन इकोसिस्टम हैव इनॉर्मस बेरिंग ऑन द अर्थ सिस्टम्स. देयर स्पेशल केयर रेजिनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ देयर प्रिस्टीन रिसोर्स वुड ओनली ब्रिंग मोर हैप्पीनेस पीस एंड प्रोस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन एजेंडा 21 चैप्टर 13 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द इम्पॉर्टेंट ऑफ माउंटेन्स इज अंडरलाइंड. माउंटेन इन्वायरमेंट्स आर एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ग्लोबल ecosystems. The Himalayas in the state of Uttarakhand are especially rich in water resources. This area is home to dozens of perennial streams and numerous other rain-fed rivers along with innumerable rivulets, waterfalls, ponds, etc. Which of the following has not been mentioned in the passage? Option 1 है, the Himalayas provide us with highly productive ecosystem. Option 2, the Himalayas provide water to more than 1000 million people. Option 3, the Himalayas irrigate millions of hectares of land. Option 4, the Himalayas form the backbone of our tourism industry. राइट आंसर कौन सा होगा 129 का? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज. कौन सा पैसेज में मेंशन किया हुआ नहीं है? तो ऑप्शन 4 मैसेज नहीं है. द हिमालयाज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. पहला है, द हिमालयन माउंटेन्स आर ए फ्रैगल रिसोर्सेज. ऑप्शन 2 है, क्लाइमेट चेंज द लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज. ऑप्शन 3, दे ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑप्शन 4, दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स. राइट आंसर कौन सा होगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज राइट. क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. कौन सा गलत है? तो ऑप्शन 2 गलत है. What is not so special about the Himalayas in the state of Uttarakhand? The Himalayas state has option 1, many perennial streams. Option 2, huge mineral deposits. Option 3, many rain-fed rivers. Option 4, numerous waterfalls and ponds. Right answer is option number 2. Option 2 is right. Huge mineral deposits. Which one of the following word is most similar in meaning to the word bounty? Option 1, generosities. Option 2, assets. Option 3, sympathy. Option 4, abundance. To right answer kaun sa hoga 132 ka? Option 1 is right. Generosity. Which one of the following words is most similar in meaning to the word bounty? Which word is opposite in meaning to the word benevolent? Option 1,
मेल वॉलेंट, ऑप्शन दो रूड, ऑप्शन तीन अनट्रूथफुल, ऑप्शन चार इनडिसेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, मेल वॉलेंट ऑप्शन फोर, वन इज राइट। विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनोवोलेंट। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द एरिया इज होम टू डजन्स ऑफ पेरेनल स्ट्रीम्स। ऑप्शन वन नाउन, ऑप्शन दो एडवर्ब, ऑप्शन तीन एडजेक्टिव, ऑप्शन फोर प्रोनाउन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थ्री इज राइट, एडजेक्टिव। ऑप्शन थ्री इज राइट, ऑप्शन थ्री क्या है? एडजेक्टिव। 135, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वेयर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज। ऑप्शन वन, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ऑप्शन दो, इट इज लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर्स। ऑप्शन थ्री, इट इज कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन्स। ऑप्शन फोर, इट इज द केयर ऑफ लाइफ। ऑप्शन राइट कौन सा होगा 135 का? ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट, इट इज कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन्स। 136, ए टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास। शी शुड, ऑप्शन वन, establish a language lab in her class. Option 2, motivate parents to buy language games and activities. Option 3, provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by children. Option 4, ask students to use only English while communicating in the class with peers. Right answer kaun sa hoga? Option 36 ka, 136. राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन होगा, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। क्या था क्वेश्चन? ए टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, सी शुड। लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज ए एन एज रीडिंग। ऑप्शन ए, एडिशनल बर्डन ऑन। ऑप्शन दो, authentic source of. Option 3, hindrance materials for. Option 4, inspirational source of. 137, right answer kaun sa hoga? Option number 2 is right, authentic source of. Which one of the following is not a form of literature for children? Which one of the following is not a form of लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? ऑप्शन एक, पिक्चर बुक्स। ऑप्शन दो, द थीसर्स। ऑप्शन सी, माइथ्स एंड लीजेंड्स। ऑप्शन फोर, टेल्स ऑफ थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री। कौन सा राइट होगा? 138, ऑप्शन टू इज राइट, थियोसॉर्स। ऑप्शन टू इज राइट, 139. Which one of the following statement is not correct about print rich environment? A hai, it consists of context based relevant material for children such as pictures, rhymes, stories, etc. Option B, once the material is pasted on walls, it should not be removed for the whole session. Option 3, pictures, posters give children an opportunity to talk about think person and happening. Option 4, encourage children to create their own poems, posters, stories, etc. and display them in the class. Right answer kaun sa hoga? 139 ka. Aur right answer is option number 2. When the material is passed on walls, it should not be removed for the whole session. Question tha, which of the following statement is not correct about print rich environment? A
ए टीचर गिव्स ए टास्क फॉर डायलॉग कॉम्प्लीशन टू क्लास फाइव स्टूडेंट्स द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी ऑप्शन एक टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑप्शन दो द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज ऑप्शन तीन टू फैसिलिटीज कन्वर्सेशन बाई गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूला एक्सपेंशन ऑप्शन फोर टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स राइट आंसर कौन सा होगा 140 ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट टू फैसिलिटीज कन्वर्सेशन बाई गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलेक एक्सप्रेशंस 141 यूजिंग रिलाई इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग ऑप्शन एक रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट बी रियल ऑब्जेक्ट्स एट टीचिंग एट सी रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स ऑप्शन फोर रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज पेरेंट्स तो 141 का राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर टू इज राइट रियल ऑब्जेक्ट्स एट टीचिंग एट्स 1. The multilingual nature of the India classroom must be used as a resource so that every child feels secure and accepted. Every child learns at the same pace. Children can learn many languages. The teacher develops language proficiency. राइट आंसर जो 142 का होगा ऑप्शन नंबर वन इज राइट एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास वन स्टार्ट विथ पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विथ अल्फाबेट्स इन द एंड विच अप्रोच डज This kind of arrangements reflect in language pedagogy. Option 1, electric approach. Option 2, eclectic approach. Option 2, bottom-up approach. Option 3, top-down approach. Option 4, language across curriculum approach. तो 143 का right answer कौन सा होगा? Option number 3 is right. Top-down approach. While checking the notebooks, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image as BDMW. The child is showing the signs of learning preference, learning style, learning disability, learning deficiency. Right answer kaun sa hoga? 144. Option number 3 is right. Learning disability. A teacher is telling a story with action and gestures to call three students. After this, she asked them to draw a picture on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? Option A. She wanted to assess their coloring and drawing skills. Option 2. She had complete her lesson as per her lesson plan, so they engaged them in drawing. Option 3. She wanted to assess their comprehension of history. Option 4. She wanted to see the participation of children while drawing. 145 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा. She wanted to assess their comprehension of history. Active vocabulary consists of words which are ek mein hai used occasionally b hai difficult to pronounce
ऑप्शन सी यूज्ड फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन फोर फोनोलॉजिकल एंड लैक्सिकल। राइट आंसर कौन सा होगा 146 का, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट, यूज्ड फ्रीक्वेंटली। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, ऑप्शन एक वोकैबुलरी डेवलपमेंट, ऑप्शन दो एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, ऑप्शन थ्री डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, ऑप्शन फोर मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स। 147 राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए आपका दिल कौन सा कह रहा है, ऑप्शन टू राइट है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। 148 मॉर्फिम इज द, मॉर्फिम इज द, एक है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोक, ऑप्शन सी यूनिट ऑफ ए वर्ल्ड वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू मीनिंग, ऑप्शन फोर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज। तो 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन टू इज राइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोक। 149 पर आते हैं, ए टीचर ऑफ क्लास टू यूजेज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज इन टीचिंग इंग्लिश एज ए हिंड्रेंस ट्रांसलेशन रिसोर्स पैटर्न्स। राइट आंसर कौन सा होगा 149 का, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट, रिसोर्स, क्या का आंसर रिसोर्स, थ्री इज राइट। BICS स्टैंड्स फॉर, BICS बिक्स स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन एक बाइलैंग्वल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, बी बाइलैंग्वल इंटरडिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस, ऑप्शन सी बेसिक इंटरलेटेड कम्युनिकेशंस स्ट्रेटजीज, ऑप्शन फोर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। राइट आंसर कौन सा होगा 150 का, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट। तो मित्र आज हम लोग जो है 8 दिसंबर 2019 का हल प्रश्न पत्र का पार्ट टू को देखा हमने, जिसमें 76 से लेकर 150 तक प्रश्न था। फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।